अस्सलाम वालेकुम रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? दैट इज़ योर लेक्चर नंबर 5 ऑफ योर कंप्यूटर साइंस क्लास 8 फॉर द नेशनल करिकुलम। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन डिवाइसेस के बारे में, वो डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये कि ये थोड़ी ऐसा है कि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए ताकि आप इन डिवाइसेस के बारे में अच्छे तरीके से लिख सकें, ठीक है। फर्स्ट वन वी हैव अ नेटवर्क हब। पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती क्या है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द ICT डिवाइसेस। वो डिवाइस जो कि डिफरेंट ICT डिवाइसेस में इंटरकनेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं और आपस में एक कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करती हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं कहलाती हैं। इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग द वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। ये वायर भी हो सकती हैं और वायरलेस भी जो है वो हो सकती हैं। आगे हम देखेंगे कि वायर्ड और वायरलेस का क्या मतलब है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ योर नेटवर्क हब। नेटवर्क हब का मतलब है कि आपके पास एक सेंट्रल कंप्यूटर जो है वो बना दिया जाता है, एक सेंट्रल डिवाइस जो है वो लगा दी जाती है, और उसमें होता है कि हब मैसेज को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो आगे जितने भी उसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको सबको मैसेज जो है वो एक स्पेसिफिक मैसेज जो है वो शेयर किया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मैसेज आ रहा है और मैसेज जो है वो हब जैसे ही रिसीव करेगा तो वो आगे यहाँ पर मौजूद है कि कनेक्टिंग डिवाइसेस में सब में जो है वो आगे मैसेज ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस और सिर्फ वो कंप्यूटर जिसका स्पेसिफिक ये मैसेज है, जो उसकी डेस्टिनेशन है, वो उस मैसेज को जो एक्सेप्ट करेगा और बाकी सारे उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे, लेकिन मैसेज पहुंचा जो है वो सब पहुंचाया सारों को जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्क हब इज़ द नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर। नेटवर्क हब जो है वो डिवाइस है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिफरेंट कनेक्शंस के लिए मल्टीपल डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो इन स्लॉट्स में, इन पोर्ट्स में जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं इन अ स्मॉलर नेटवर्क, ठीक है। जनरली इट इज़ यूज्ड इन लैन। ये लैन को, लैन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जनरली इट इज़ यूज्ड इन लैन। इट रिसीव्स द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट टू द ऑल कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। और बाकी आगे कंप्यूटर्स को, जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है, डायग्राम में दिखाई थी कि सारे कंप्यूटर्स को वो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करेगा। ओनली द कंप्यूटर व्हिच इज़ डेस्टिनेटेड, जहाँ पर उसने, उसकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पर उस मैसेज को पहुँचना है, सिर्फ वो इस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा वाइल द अदर विल इग्नोर इट। बाकी जो है वो उस मैसेज को जो है ना ओपन करेंगे, ना उनकी यूज़ का सारी बात, वो उसको देखेंगे भी नहीं, ठीक है, लेकिन सेंड सारों को किया जाएगा। ये हब है, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ योर नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच में ऐसा होता है कि भी ये भी सेंट्रल में लगा हुआ है, ठीक है। हब जैसे ही मैसेज रिसीव कर रहा था, मैंने आपको दिखाया था, सब में ट्रांसमिट करेगा, लेकिन स्विच जो है, अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि मैसेज जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है स्विच को, और वो मैसेज जो है जैसे ही स्विच उसे रिसीव कर रही है तो आगे जो है स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, वो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर है उसको सेंड हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, स्विच, ठीक है, कि एक जगह लेगा और एक जगह ही आगे जो है वो सेंड करेगा, ठीक है। तो ये स्विच का फ़ायदा है। अ स्विच इज़ अ डिवाइस दैट अलाउ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क टू कनेक्ट विद अदर नेटवर्क। कि स्विच क्या करता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है यूजिंग द वायर्ड कम्युनिकेशन। इट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम एनी डिवाइस। कहीं से मैसेज को जैसे ही रिसीव करता है, ठीक है, टू द नेटवर्क एंड ट्रांसमिट द मैसेज डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन। वो डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि हब की तरह सारों को भेजा जाएगा, वो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मैसेज जो है वो सेंड कर देगा, ठीक है। इट मेंटेन्स अ टेबल ऑफ मैक फॉर फॉरवर्डिंग द डेटा। जैसे जैसे मैसेज रिसीव किया, वो चेक करेगा कि क्या उसकी जो है वो रिसीविंग जो है कंप्यूटर था, कहाँ से उसने रिसीव किया और कहाँ पर अपने डेटा को सेंड करना है, तो उस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर फिर आगे वो मैसेज को सेंड कर देगा। तो इसलिए हम जिसका एड्रेस है, जहाँ पर डेस्टिनेशन में सेंड करना है, वो उसका मैक एड्रेस कहलाता है। और वो ऐसा ऐसा जैसे हम रिकॉर्ड को कलेक्ट करेंगे तो एक टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम इसे कहेंगे
मैक टेबल मेंटेन करता है, समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज योर राउटर। राउटर जो है वो डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क्स को, दो डिफरेंट लैंस को या नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। राउटर इज अ नेटवर्क विच कनेक्ट टू और मोर लैंस, ठीक है। तो वहाँ तो ये था ना कि एक लैन नेटवर्क क्रिएट करती, ये दो या दो से ज़्यादा लैन नेटवर्क्स को हर एक अलग अलग, जैसे अब यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं तो डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है वो मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इट फॉरवर्ड द इनकमिंग मैसेज यूजिंग द बेस्ट रूट। वो देखता है कि तीन चार राउटर्स लगे हुए और जहाँ से उसको स्पेसिफिकली बेस्ट प्लेस लगती है वो मैसेज को उस रूट से, उस जगह से जो है वो सेंड कर देगा। इट मेंटेन द राउटिंग टेबल फॉर फॉरवर्डिंग द डाटा। वो आपका मैक टेबल क्रिएट कर रहा था एड्रेसेस के लिए, ये राउटिंग यानी कि रूट, कौन सा रूट, कौन सा जरिया जो है वो लेगा अपने मैसेज को सेंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर NIC। ये हम लेटेस्ट सॉरी खैर PCs में जो कंप्यूटर्स हैं उनमें हम इंटरनेट को जब इस्तेमाल करना होता था तो हम ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NICs जो हैं वो लगा देते थे। अब हमारे मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, टैब्स में, नोटपैड्स में, तो यहाँ उन सब डिवाइसेस में ये NICs जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक छोटी सी चिप जो है वो लगा दी जाती है जो कि वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो NIC अलाउ द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, एक्सेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। इट इंक्लूड्स द इंटरनेट, कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नाउडेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स आर इक्विप्ड विद अ वायरलेस इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क कार्ड जो है वो उसके साथ लगा दिया जाता है। तो इसलिए हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ या अपने टैब्स के साथ, अपने लैपटॉप्स के साथ डायरेक्टली वायरलेस जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब वाईफाई एक्सेस पॉइंट, नेक्स्ट वन इज़ योर वाईफाई एक्सेस पॉइंट, ठीक है। कि वो डिवाइसेस जो लाइक जैसे आपके घर में मॉडर्न्स हैं, तो वो डिवाइसेस जो कि आपको वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती हैं वो WAP कहलाती हैं, यानी कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हैं, ठीक है। वाईफाई एक्सेस पॉइंट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्टेड द वायर्ड नेटवर्क। अब ये जो है ये वायर्ड के साथ, यानी कि अगर हम घर में मॉडेम जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है वो DSL मॉडेम है ना, ठीक है, वो क्या करता है कि वो टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होता है। लाजमी है कि टेलीफोन लाइन उसके साथ कनेक्ट होगी तो वो आगे जो है इंटरनेट की वायरलेस सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है कि वो बैक एंड पर एक वायर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे कि वायर जो है वो ले रहा है, ठीक है, एंड इट अलाउ द कम्युनिकेशन डिवाइस डाटा वायरलेसली, और फिर आगे जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करे वो वायरलेस हो रहा है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर एक्सटेंडिंग द वायरलेस कवरेज। इससे होता है कि एक डिवाइस जो है वो जब राउटर लगा दिया जाता है या WAP लगा दिया जाता है तो इससे होता है कि आगे और सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाती है, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ यूज़र्स। और क्योंकि वायरलेस है तो इसकी वजह से नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर लाईफाई। लाईफाई जो है वो आपकी जो ये वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी थी, इनकी ये एक एडवांस रेंज है जो कि आपकी लाइट टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल होती है। ये है कि एक बल्ब या एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है, जिस तरह से एक बल्ब जो है आपके कमरे में रोशनी प्रोवाइड करता है, अब ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि उसके साथ वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे ही आपने वो लाइट बल्ब जो है वो ऑन किया तो जहाँ जहाँ तक आपकी वो लाइट रेज जो है जा रही हैं कमरे में, वो बल्ब जो है वो ऑन है, जैसे जैसे वो ऑन होगा तो आपका वायरलेस कनेक्शन जो है, इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑफ़ कर देंगे तो इंटरनेट जो है वो वहाँ पर बंद हो जाएगा। ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि आपके घर में जिस तरह से एक जगह पर वाईफाई डिवाइस लगा दी गई है और दूसरी जगह आप बल्ब लगा देंगे तो बल्ब जो है वो वाईफाई के सिग्नल्स कैच करेगा और एक कमरे में भी जो है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। वाईफाई लाईफाई इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज़ द इंफ्रारेड और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, समझ आ गई, फॉर द हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन। और इसका रीज़न क्या है कि ये हाई स्पीड डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट द हाई स्पीड सिक्योर बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है एक तरफ का, ठीक है, नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो सपोर्ट द यूज़र मोबिलिटी एंड मल्टीपल यूज़र एक्सेस, के मल्टीपल यूज़र्स जो है वो जारी पता जो जो कमरे में बैठा है सबके मोबाइल पे जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। लाईफाई इन ऑल द लाइट्स इन अराउंड अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में जितनी भी लाइट्स हैं जैसे ऑन की
तो ये वाईफाई राउटर का काम करती हैं और उसी तरह से इंटरनेट जो है वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये टिप है, आप ध्यान से पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या है कि हम जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, दोज आर द स्मार्टफोन्स, जिसमें हम अपनी फैसिलिटी के मुताबिक, अपनी फिजिबिलिटी के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, कैमरास को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हाई डेफिनेशन जो है वो आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि हम एक स्क्रीन के ऊपर, टच स्क्रीन के ऊपर जो है वो बेसिकली अपने काम को आराम से एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दैट वन इज़ योर स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन इज़ इक्विप्ड विद मोर एडवांस फीचर देन द ट्रेडिशनल फोन। स्मार्टफोन जो है वो आपके ट्रेडिशनल यानी पुराने फ़ोन से ज़्यादा जो है वो एडवांस है, क्योंकि पुराने फ़ोन जो थे वो बटन्स वाले थे। ठीक है, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब इंक्रीज़ हो गया, तो इसमें हायर रेजोल्यूशन इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है, वेब ब्राउज़र उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, दे आर द मल्टीपर्पज़ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस दैट फैसिलिटेट द एक्सेस टू द इंटरनेट, म्यूज़िक, वीडियोस, कैमरास एंड गेमिंग। समझ आ गई? ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम जो है वो पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन मीडियम। मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपना इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर करें, और साथ में आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह ज़रूर करवा दूँगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? मीडियम कहते मैंने आपको बताया था वो जरिया, द पाथ थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन यूजिंग द गाइडेड मीडियम, जो अगर हम वायर का इस्तेमाल करें, केबल्स का इस्तेमाल करें, वो कहलाता है गाइडेड मीडियम। ठीक है, और जिसको हम वायर्ड मीडियम भी कहते हैं, और जो वायरलेस है वो ये है अनगाइडेड मीडियम है। क्यों है? क्योंकि वो उसमें ये होता है कि आपके पास कोई वायर नहीं है, सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके थ्रू हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपके पास नीचे फ्लो चार्ट है कि ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह का है, गाइडेड है, अनगाइडेड है। गाइडेड में आपके पास कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है। अनगाइडेड में आपके पास रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है और इंफ्रारेड वेव्स हैं। ठीक है, गाइडेड मीडियम जो कि आपकी केबल मीडियम कहलाता है, उसमें सबसे पहली केबल है आपके पास कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का मतलब है कि आपके पास जिस तरह से यहाँ पर है वो, जब हम केबल हमारे घर में आती है, केबल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मोटी वायर आ रही है बाहर से। ठीक है, तो ये कॉपर्ड वायर है जो कि हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल इज़ अ टाइप ऑफ कॉपर केबल बिल्ट फॉर द मेटल शीट। इसमें यहाँ पर ये हमारी मेटल शील्ड है, ये जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि डाटा जो है वो एक कह लें कि अनडिस्टॉर्टेड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। ठीक है, एंड द अदर कॉम्पोनेंट्स इंजीनियर टू ब्लॉक द सिग्नल्स इंटरफेस। इसमें हमारे पास सिग्नल इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ प्राइमरली यूज बाय द केबल टीवी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टू कनेक्ट देयर सेटेलाइट्स एंटीनास फैसिलिटी टू द कस्टमर होम्स एंड बिजनेस, के वो घरों में आपको केबल प्रोवाइड करने के लिए एंटीनास के साथ लगाए जाते हैं। तो ये हमें हाई डेफिनेशन डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वहाँ आम घरों में हम जो है वो जब हम वायरिंग करवाते हैं तो वहाँ पर ये हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है कि दो कलर्ड वायर्स हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ट्विस्ट हुई भी होती है आपस में, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ठीक है, और ये केबल्स जो हैं वो आपकी जो है वो क्या कहते हैं, नॉर्मल ट्रांसमिशन के लिए या घरों में जो है वो हम ट्रांसमिशन के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ टाइप ऑफ केबल मेड बाय पुटिंग टू सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, दो वायर्स हैं और उनको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, इसलिए वो टू सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स कहलाती हैं। दिस टाइप ऑफ केबल इज़ वाइडली यूज इन डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा एंड वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ योर फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक जो है, फाइबर का मतलब होता है ग्लास। ठीक है,
जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये कोर है। इस कोर के अंदर जो है वो ग्लास फाइबर्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं एज अ लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग केबल। और इसमें होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी डिस्टॉर्शन बेस्ट फॉर कम्युनिकेशन इस्तेमाल होते हैं। समझ आया? ठीक है। फॉर द स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास, स्ट्रैंड्स कहते हैं वायर्स, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड्स हैं जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइबर फॉर द पल्स ऑफ लाइट टू ट्रांसफर द डाटा इन अ हाई स्पीड। दिस केबल प्रोवाइड द हायर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है एक टाइम में बहुत ज़्यादा डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। द टिपिकल ग्लास फाइबर हैज़ द डायमीटर ऑफ 125 माइक्रोमीटर। समझ आ गया? ये आपकी केबल्स जो हैं या वायर्ड या गाइडेड मीडियम जो है वो कवर हो गया है। इंशाल्लाह अनगाइडेड मीडियम और आगे फिर इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो मैं आप लोगों के साथ आने वाले लेक्चर में शेयर करूंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखने हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से भी इनको ओपन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता आप मुझसे पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की जो एम्बिग्विटी, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लूँगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।